सो दोस्तों एक बारी फिर तुहाडा सारयां दा तुहाडी अपनी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत है। तो मैं बलजीत परमार हाजिर हाँ अज की सब तो वड्डी खबर जिहड़ी लुधियाणे तो आई ते गई हो गई आई ते गई क्योंकि उत्थे कुछ होया ही नहीं। वो एक पुराना उर्दू का शेर है कि जिन्हों का बहुत नाम सुनते सी वो चलो काटा तो कतरा खून तक ना निकला, चर्चा तो बहुत सुनया थी पर निकलिया कुछ नहीं, पटारी खाली निकली, मदारी डुगडुगू बजाता रहा पर पटारी चो निकलिया कुछ नहीं। डुगडुगी जरूर बजी, कलाकारां दा कम हुंदा डुगडुगियां बजाउणा, बजाती उन्ने बंदे सरोते नहीं सी हाल विच जिन्नी पुलिस उस हॉल दे आले दुआले ते यूनिवर्सिटी दे गेट ते खड़ी सी। लुधियाणे च एंटर करन वाले सारे रस्तियां ते नाके लाए हुए, मतलब एक वो मौका जिन्हों तुसीं खुला खुली बहस का नाम दिता सी ओपन डिस्कशन। पहली गल तो है कि ओपन डिस्कशन खुली बहस बंद कमरे कराने की लोड़ की सी, जे बंद कमरा सी तो लोगों अंदर आने देना सी जेड़े भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। एक पास तो तुम कहने हो कि पंजाब के लीडर अपनी होंद गवा चुके ने, पोलीटिकल पार्टियां का कोई आधार नहीं रहा आधार कार्ड तो अलावा, कांग्रेसी खत्म, अकाली खत्म, बीजेपी खत्म, और कोई पार्टी है नहीं, लै दे के इको पार्टी आम आदमी पार्टी। दूसरे पास तुसी उन्हां दे लीडरां नूं बहस लई बुला रहे हो कि आपां पंजाब दे मुद्दियां ते गल करिए, गल तां लोकां नाल करनी चाहीदी है, तुहानूं लोकां ने जता के इन्नी वड्डी मजोरिटी दित्ती है, गल लोकां नाल करो, संवाद लोकां ना होना चाहिए। जिहड़े लोग आप इलैक्शन हार गए MLA नहीं बन सके उन्हां नूं तुसीं लोकां दे रिप्रेजेंटेटिव किवें समझदे हो? पहलां तां उन्हां नूं बुलाउणा ही गलत सी, बुलाया तुसीं इस करके क्योंकि तुहानूं पता सी इन्हां ने आउणा नहीं, आउणा नहीं तो मैनूं कल्ले नूं स्टेज खाली मिल जाणी आ। इह तां इहो जिहा कबड्डी मैच सी जिथे कबड्डी पाउण वाला भी उही ते अगे जप्पी पाउण वाला उही, हाथ लाउण वाला भी उही, भज्जण वाला भी उही, ते लाइन क्रॉस करके वापस अपने अद्धे चाउण वाला भी उही। वन मैन कबड्डी शो इस किस्म का मैच सी, सोलो शो वो भी फ्लॉप। एक जमाने च जसपाल भट्टी का बड़ा हिट शो चलता हुंदा सी दूरदर्शन ते, इहदा फ्लॉप शो पता नहीं साढ़े मुख्यमंत्री जी ने जसपाल भट्टी का शो याद आ गया, इन्होंने फ्लॉप शो कर लिया। इन्हों लगता कि शायद जोड़े हिट प्रोग्राम होंगे वो भी फ्लॉप शो होंगे, पर इतने तो शो भी फ्लॉप तो फ्लॉप तो होना ही सी। मोनोलॉग कल्ला बंदा स्टेज ते कुर्सियां खाली पईयां, हाल अद्धा खाली, हर दरवाजे ते पुलिस वाले, किते वर्दी वाले, किते बिना वर्दी तो, जिहड़े बंदे आउणा चाहुंदे सी उहनां नूं फड़ फड़ के बंद करता। एक यूनिवर्सिटी दे गेट ते पहुँचदे ने प्राइमरी स्कूल टीचर, अपनियां शिकायतां ला के अपने बैनर बोर्ड लै के लीडर से पूरी पहुँचदी आ, उहनां नूं फड़ के डिटेन कर लिया जांदा, बसां 'च बिठा के किते लै जांदे, बाद 'च छड़ देणगे इह वी पता। सिद्धू मूसेवाला दे शुभ चिंतक NSUI दे वर्कर स्टूडेंट ते कुछ वो अध्यापक जिन्होंने किसी समय सिद्धू मूसेवाले नूं पढ़ाया सी, वो भी सारे पहुँचते ने लुधियाने यूनिवर्सिटी के गेट ते, उन्हां नूं भी रोक लिया जांदा। हुण जिहड़े बंदे अपने मुद्दे उठा के, और मुद्दे पंजाब दे मुद्दे ने, सिद्धू मूसेवाला लई इंसाफ उहदे माँ प्यो का मुद्दा नहीं है, पूरे पंजाब का मुद्दा है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के हालात नाल संबंध रखता। जिहड़े सूबे च अमन अमान की व्यवस्था ना होवे
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ, ਸਿਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਫੜਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ NRIs ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੱਕ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਪੀਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਕੀਮ ਸੀਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੈਗ ਲਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਖਵਾਓ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ? ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰ ਲਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੋਤਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੜ ਲਿਆ, 36-37 ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ,
अचानक एक बारी भर आ गया। लेकिन बोले कुछ ना, बड़ा कुटिया। और पुलिस वाले के डंडे टुट गए, पुलिस वाले दियाँ जुत्तियां टुट गया, मारते वो थी सट पुलिस वाला के हाथों से लगती सी, योजा पत्थर अड़का जिसम से वह। अखीर एक रिटायर्ड हवलदार आ गया, पांडू हवलदार, उन्होंने कहते थे क्राइम ब्रांच, बड़े साल लाए उन्हें, कुर्ता पजामा पा के रखता से, मैं उन्होंने कदे यूनीफॉर्म च नहीं देखे अज तक। बड़े बड़े अफसर उन्होंने सलूट मारते थे, जिन्ना काम उस पांडू हवलदार ने किया। उन्होंने अफसर ने दसता कि हवलदार उन्होंने जी कहते सारे नाल, कि हवलदार जी ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं, दसदा ही नहीं, क्यों मारदा, कारण की है, अपने शिकार चुनता क्यों है, की दुश्मनी है इन्हू लोगों नाल। वो कहते इन्हू कुट मार ना नहीं दसना इन्हें, आओ मेरे ना चलो। कहता दो हवलदार लै गया गड्डी च बिठा के, जीप च बिठा के, दो बोतल दारू दे लिया, दारू वाला की दुकान बॉम्बे क्राइम ब्रांच के बाहर ही है, दारू वाला एंड कंपनी पारसियां की, बड़ी वधिया शराब उतों कहना मिलती है। उन्हें कुक्कड़ खरीदे, चिकन तंदूरी, मच्छी खरीदी, योजा कुछ समान खरीदया। तो कहता चलो वो कमरे लॉकअप लै गए, उन्होंने बहर क्या, जरा अफसर का कमरा से पुलिस अफसर का बहर बिठा के कुर्सी से मेज पर बिठा लिया, उन्होंने दारू पियाई, चिकन खुआया, खा पी के कहना मैं नींद आई है, मैं सौना, हूँ जो पुछना पुछ लो, फिर मैं सौ जाना, फिर सवेरे उठूंगा। उन्हें सारा कुछ दसता क्यों मारदा सी, मोडस ऑपरेंडी की सी, पता लग्या बाद च। उन्हें आप तो दो तीन बंदे मारे थे, बाकी तो उसके साथियों ने मारे से, मार तो ग्यारह बंदे फड़े गए थे उस केस से, जिन्होंने 36 मर्डर किए। तो भगवंत मान जी योजा कोई फार्मूला लभो, चंगे पांडू हवलदार बिठा लो को, सारा कुछ तुम दस देंगे। हाँ, इस तरह बंद कमरिया खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम च बैठ के डॉक्टर निर्मल जौड़ा नू नाल बिठा के, कोआर्डीनेटर बना के, प्रेजेंटर बना के, पंजाब के मसलों पर बहस नहीं होनी। कहने ना उदों तक सरपुरुषों लड़न का मजा नहीं आता जदों तक बराबर लड़ रहा जाबाज ना होवे। ते जे तुहाडे सामने कोई मुकाबले का बंदा है नहीं तो लड़ोगे किदे नाल। मान साहब ने लुकमान हकीम का फार्मूला दसता कि ड्रग खत्म किवें करनी आ, कहदे ड्रग लैनी बंद कर दिओ, ड्रग पीनी बंद कर दिओ, खानी बंद कर दिओ, नशा करना बंद कर दो, ये ड्रग की समस्या आप ही खत्म हो जानी है। क्या इलाज है, बीमार नूं कह दे तू आप ही ठीक हो जा, दवाइयां खाने की लोड़ ही नहीं, आप ही ठीक हो जा, डॉक्टरों की कोई लोड़ नहीं। नाल ये कहता कि मैं नौजवानों नूं श्री दरबार साहब जाके 40,000 बच्चों नूं सौ खाती कि तुम ड्रग नहीं खानी, इहदा कोई तर्क है, कोई लॉजिक है इहदे च? वो 40,000 बंदिया ने खाली बुल हिलाए जां कसम भी खाधी, तेरी कसम खाधी भी तो उन्हां दी आस्था किन्नी क गुरु च, मावा प्यों दियाँ भैणा दियाँ गुरुआं दियाँ सौं दिन 50 वारी लोग खाते हैं, अद्धे घंटे भुल जाते सौं, तो साढ़े वड्डे वड्डे लीडर ने भी खाधियां सी, गुटका साहब हत्थां पड़ के सौं खाधी सी, दरबार साहब जाके सौं खाधी सी, बदलिया कुछ पंजाब का नहीं। नौटंकियां बंद होनिया चाहीदियां, ये ड्रामेबाजियां नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, कोई पाए का काम करो, प्रैक्टिकल होवे, जरा मनण योग होवे, ये दिखावा जिहा, झाड़ू पोचा मारी जाना उत्तों उत्तों, तो गंदगी खिच खिच के मंजियां थले सुट्टी जानी अंडर द कारपेट, उहदे नाल समस्यावां हल नहीं होणी।
टीचर पढ़ के तुसी बंद करते, स्टूडेंट पढ़ के बंद करते, लखा सदाणा उहदे पिंड च घेर के रख्या, मनप्रीत मन्ना नूं जलंधर वड़न नहीं दिता, एडवोकेट ढांडा नूं अंदर नहीं जाण दिता, ते गल कीती सुननी है। भगवंत सिंह मान भरावा, लोग पंजाब दे दुखी है, सुखी तां सिर्फ लीडर ने तुहाडे अरगे, वड्डे वड्डे महल, मनारे, चबारे, वड्डियां गड्डियां, प्राइवेट जहाज, हैलीकॉप्टर, हजारां एकड़ जमीना, सैकड़े बसां, सब कुछ है उन्हां कोले, महाराज दा दित्ता होया, तुहाडे कोले भी आ गया होना, सारियां कोले, आप वालियां कोले भी, सरकार ने गड्डियां देतियां होनियां वड्डियां वड्डियां। दुख दर्द तां पब्लिक दा, उन्हां दी गल सुणो। पुराने जमाने च राजे महाराजे अद्धी रात नूं उठ के अपना वजीर लै के अपने इलाके दे चक्कर कट्टण जांदे सी, बुक्कल मार के देखण के साडे राज की हो रहा, लोकां दी हालत की है। तुसीं तां दिने नज़र नहीं आउंदे किते लोकां। उह सिद्धू मूसे वाले दा प्यो सवा साल तो रो रहा, मेरी गल सुण लो, किसे ने गल नहीं सुनी। वह बच्चे स्टूडेंट पोस्टर लै के खड़े कि सिद्धू मूसे वाले नूं इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस वाले फड़ के बंद कर देंदे आ प्रिवेंटिव डिटेंशन च, बात छड़ देणगे सानूं पता, पर कदे उहनां दी गल भी सुण लिया करो। मैकेनिज़म इहो जिहा बनाओ कि तुहाडा लोकां नाल सिद्धा राबता होवे, उहनूं नेतागिरी कह दे। ये तुसीं तां इक बख्तरबंद घर च बैठे हो, खतरे दीआं घंटियां वज चुकियां ने, कल आपां एपीसोड बनाया सी, अजे भी ना इंप्रूवमेंट हुई, सुधार ना होया, तां दिन माड़े आउणगे। ये बदलाव दी पार्टी जिहड़ी तुसीं लै के नारा लै के आए थी, वह हौली हौली बैड लॉ बनती जाती है, BADLAW, माड़ा कानून, बैड लॉ, बदलाव ने ये तो सोच विचार करनी पेगी, बहस करनी है, खुली बहस, खुली जगह पर आम लोगों नाल करो, जड़े लोगों के असली नुमाइंदे ने उन्हां नाल करो, हारे हुए लोगों के नुमाइंदे नहीं होंगे। आप तुसी 50 बारी कह चुके हो कि फिर उन्हां नाल बहस कादी करनी सी, एक पासे तुसी क्या, मान साहब ने उस स्पीच उत्थे खाली कुर्सी वाला हथ करके क्या कुर्सी जीत सुखबीर सिंह बादल लिखिया, वो तो कल दिता बयान भुल जाता, मैं की दिता सी, जब तुहाडी उहनां वाले राय पहले ही बनी हुई है, तो उन्हां नाल बहस करन दा मकसद की सी, मैं दिखावा, नौटंकी, ड्रामा, वन एक्ट, मोनो डायलॉग नाटक असी स्टेज करते रहे स्कूलों कॉलेजों च, वो हाल चलो तुहानू सोचना पवेगा, अगे आना पवेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पवेगी, ढोल नगारे लैके जाओ, एक दिन हत्थां च पोस्टर फड़ के ना चलो, बतेरे ढोली बेचारे भुखे मर रहे हैं पंजाब च, कितने विआहां शादियां ढोल बजाउण नूं मिलदा, वो इकट्ठे कर लो 500-700 पूरे पंजाब दे, ढोल बजाउंदे, भंगड़ा पाउंदे, लुड्डी पाउंदे, गिद्धा पाउंदे, जाओ मुख्यमंत्री दे घर हल जां असैंबली हाल हल, तां तुहाडी आवाज़ किसे ने सुननी। इह हकूमतां दे कन्नां च सिक्का भर जांदा, इहनां नूं सुणदा कुछ नहीं, खाली ढोल दी आवाज़ सुणदी, लिहांगां नूं मूर्तियां च लाउण दी बजाए उहनां दे नगारे नाल लै के जाओ, कि निहंग सिंह जी अपने नगारे भी नाल लियाओ, नगारे बजाओ, तां तुहाडी गल सुननी, फिर शो फ्लॉप नहीं होगा, बड़ा धूम धड़के वाला हिट शो होगा, फ्लॉप शो नहीं। तो दोस्तों इन्हां शब्दां नाल अज दा बहुत काफ़ी, आने वाले दिनों इसे तरह पंजाब के जुड़े मुद्दे लैके हाजिर होवांगे, उदों तक तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।